भाई थोड़ा सा ही तो और वेट करना है आपको, एसएससी एमटीएस 2022 का रिजल्ट आने ही वाला है, ठीक है। मैं आपको अभी बता दूंगा कितने दिन में क्या आ रहा है। पहली तो बात तो ये भाई, आप लोग चेक करना बंद करो डेली डेली। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई 20 अगस्त से आपके एट द एंड ऑफ द मंथ आपका रिजल्ट आ जाएगा, पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि भाई उनको देखो नेक्स्ट एग्जाम भी आ गया है, एसएससी एमटीएस 2023 वाला, आपकी डेट भी आ गई और स्टेटस भी जारी कर दिया गया है, सेप्टेम्बर से है, ठीक है। 1 से शायद 14 सेप्टेम्बर तक आपका एग्जाम है, और जिनके भी अच्छे मार्क्स आए ना 2022 में, तो भाई आप ये मत सोचो यार कि हमें रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। इस वाले में भी आप ट्राई करो भाई, अपना 100% दो, ठीक है। आप में से बहुत सारे भाई तो ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे इतने मार्क्स हैं यार, अब मेरे पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरा इसी में हो जाएगा। तो भाई देखो, ये एक ये कंपटीशन फील्ड ऐसा है, इसमें कोई मतलब एकदम 100% आपको नहीं बता सकता कि भाई आपका यहाँ पर हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। आपकी एक छोटी सी गलती यहाँ पे, ठीक है, गड़बड़ हो सकता है मामला। हालांकि आपके नंबर अच्छे हैं वाकई, मैं मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा उतने नंबर पे, ठीक है। लेकिन भाई मेरी बात मानो, आप अदर जो एग्जाम्स आ रहे हैं ना उनको हल्के में मत लो, उनको अच्छे से अटेम्प्ट करो। क्या पता भाई आपको जो स्टेट आपने फर्स्ट प्रेफरेंस फिल करी हो इस बार वो मिल जाए, ठीक है। इंस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसीज कितनी है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट भाई देखो मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला वीक स्टार्ट हो गया है, आज मंडे है, ठीक है। इस वीक में या फिर अगले वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप इधर उधर यूट्यूब पे वीडियोस और न्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट गूगल पे सर्च कर रहे हो तो वो देखना बंद करो। अपना जो भी काम है उस पर ध्यान रखो यार, उसको करो, और टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, टाइम नहीं आएगा आपका ये दोबारा, ठीक है। आप ठीक है, और समझो मेरी बात यार, एमटीएस की आप जॉब ज्वाइन कर भी लोगे ना तो भाई भाई मैं बता रहा हूँ आपको, जो होता है ना एक फाइनेंशियल, वो आपको नीड थोड़ी बढ़ने लगेगी। जब आपकी जॉब लगेगी ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बहुत सारी, तो आपको लगेगा भाई मेरे को थोड़ा कम मिल रहा है, मेरे को कहीं से ज्यादा अर्न करना है। फिर आप कुछ और सोचोगे, ठीक है। आप या तो पढ़ाई कंटिन्यू करोगे अपनी, या फिर उसके अलावा साइड में और कुछ करो, करने की कोशिश करोगे। तो भाई बहुत सारी चीजें होती हैं, तो पढ़ाई अपनी बंद मत करो, पढ़ाई कंटिन्यू रखो और जितना है उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। उतना तो हमें मिल ही गया, अगर मान लो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं 2022 वाले में, तो आपको पोस्ट मिल जाएगी कोई ना कोई, ठीक है। लेकिन भाई उसको आपको और आगे ले जाना है, जिससे आपको फ्यूचर में और अच्छे ग्रेड पे की जॉब मिल जाए, प्लस आपको अपनी होम स्टेट मिल जाए। भाई वो बहुत मेन है, पता है। जो बच्चे इंस्पेक्टर भी बन गए ना, और उनको मतलब नॉर्थ वाले बच्चे साउथ में कितनी प्रॉब्लम होती है उनसे पूछना, अगर आपका कोई भाई लगाया हो तो, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे, अब भी भाई कम से कम 3-4 मतलब फ्रेंड है, एक भाई भी है बड़े, वो लगे हुए हैं, तो उनको भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एक भाई है उनको तो 6 साल हो गए हैं, मेरे सीनियर हैं भाई, ठीक है, मेरे घर के पास ही रहते हैं। उनका अब जाके भाई, उनको न्यू दिल्ली में है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है। तो भाई बहुत टाइम लग गया उनको भी, मुंबई, पहले मुंबई थे, उससे पहले भी कर्नाटक थे शायद, पता नहीं ऐसे थे साउथ में। तो भाई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप एक जगह पर आप सीमित मत रहो, क्योंकि भाई आप सभी को पता है ग्रेड पे कम है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई इतना मिल जाएगा। माना कि भाई मिडिल क्लास हमारी फैमिली है, हमें लगता है कि भाई इतना हमारे लिए बहुत है, मतलब स्टेबल है माना भाई, लेकिन एक टाइम आने के बाद मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ कि आपकी जहाँ और जो आपकी ग्रेड पे हाई होगी ना, जिन बच्चों की आपके फ्रेंड होंगे उनकी जहाँ सैलरीज थोड़ी ज़्यादा होंगी, आपकी वहीं कम होगी, आपको कम में एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ सकते हो मेरी बात, आई थिंक यू गॉट इट। और बाकी अगली वीडियो में मिलता हूँ, रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, 1-2 वीक के अंदर आ जाएगा, टेंशन मत लो। आपका जो 2023 वाला एग्जाम आ रहा है उसका फोकस रखो, रिविजन करते रहो लगातार, और बाकी कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर नीचे लिंक दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फटाफट से अभी जाके। जय हिंद, अगली वीडियो में मिलता हूँ।